आज देश में अनेकों अनेक राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, ये प्रदेश स्तर पर भी हम कर रहे हैं और जिला स्तर पर भी, सभी स्तरों पर सभी स्तर के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज उसी दिशा के अंदर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के श्री अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ में देवेंद्र जी अधिकारी जी, जो दो बार के काउंसलर रहे हैं, तीन बार के MLA रहे हैं और सांसद हैं, वर्तमान दूसरी बार TMC के सांसद हैं। और वहाँ पर जो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बहनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ की जनता और वहाँ के नेतागण अमन चैन और शांति चाहते हैं, लेकिन वो लगता नहीं कि ममता दीदी के हाथ में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वहाँ के समस्त लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अर्जुन सिंह जी का और देवेंद्र जी का। आज 15 तारीख है मार्च महीना का, आज मेरा लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूं। दुष्यंत जी, कृष्ण कुमार जी, अमित मालवीय जी, संजय जी, साथी मेरा अर्जुन सिंह जी, जिसका साथ मैं लोकसभा में काम कर चुका हूं, आज देश की प्रधानमंत्री, हमारी नेता, सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां CBI की इंक्वायरी शुरू हुई, उस पोस्टफुल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी
वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहाँ के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ।